नमस्कार बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है लेखांकन का सामान्य परिचय, उसमें मैंने कल आपको कुछ एक शब्द बताए थे। जैसे एक बताया था आपको कैपिटल, कैपिटल पूंजी के बारे में, एक बताया था आपको ड्राइंग आहरण के बारे में कि पूंजी क्या होती है या आहरण क्या होती है। पूंजी की परिभाषा मैंने बताई थी कि व्यापारी द्वारा जो धनराशि व्यापार में लगाई जाती है वो क्या है, पूंजी है। व्यापारी द्वारा जो धनराशि व्यापार में लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अपने कैपिटल या पूंजी कहते हैं। आहरण क्या होता है कि जब व्यापारी द्वारा निजी प्रयोग के लिए कोई राशि व्यापार से निकाल ली जाती है तो वो आहरण कहलाता है। कहने का मीन, जो कैपिटल है उसका जस्ट उल्टा है, वो आहरण है, ड्राइंग है। कैपिटल में व्यापारी अपने घर के पैसे है वो व्यापार में लगाता है, जबकि आहरण में व्यापारी क्या करता है, व्यापार के पैसे कोई वस्तु या फिर कोई संपत्ति माल क्या कर जाता है, घर पर ले जाता है, तो वो क्या होता है, आहरण। एक बताया था मैंने आपको माल यानी कि गुड्स, माल। अब माल क्या होता है, इसके बारे में बताया था मैंने आपको कि जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है तो वो माल है। ये ऐसे कह सकते हो कि व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का कारोबार किया जाता है वो उसके लिए माल है, वो उसके लिए माल या गुड्स है। अब देखो आगे एक आता है वर्ड इसमें परचेज, जिसको बोलते हैं क्रय यानी खरीदना। लेखांकन के अंदर परचेज शब्द का यूज उसी दशा में किया जाता है जब माल खरीदा जाता है। कहने का मतलब, कोई व्यापारी क्या कर सकता है कि माल के साथ साथ संपत्तियां भी खरीद सकता है जिसका वो उपयोग करेगा। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीद रहा है। अगर कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीद रहा है तो ये माना जाएगा कि वो माल खरीद रहा है, लेकिन कपड़े का व्यापारी यदि चेयर्स खरीद रहा है तो ये माना जाएगा वो उसका उपयोग करेगा, इसलिए ये मान लो कि वो असेट्स खरीद रहा है। तो परचेज वर्ड का यूज कब किया जाता है, जब माल का क्रय किया जाता है। जब अपने माल खरीदते हैं तो एंट्री में आपका परचेज वर्ड का ही यूज करना है वहां पे। एक आता है देखो सेल्स, सेल्स माने होता है विक्रय, विक्रय यानी बेचना। लेकिन लेखांकन अकाउंट के अंदर सेल्स वर्ड का यूज तभी किया जाता है जब आप माल का विक्रय करते हो। अगर आपने माल नहीं बेचा, कोई पुरानी संपत्ति बेच दी, तो वहाँ पर आप सेल्स वर्ड का यूज नहीं कर सकते, आपको उस संपत्ति को क्रेडिट करना पड़ता है, वहाँ पे आपको सेल्स को क्रेडिट नहीं कर सकते। अब देखो एक वर्ड आता है आपका इसमें क्रेडिटर, जो आपके लिए नया वर्ड है, क्रेडिटर या जिसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार, क्रेडिटर या लेनदार। अब क्रेडिटर होता क्या है, देखो लेनदार या क्रेडिटर, लेनदार या क्रेडिटर वह व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति से अपने उधार माल का क्रय करते हैं, यानी जिस व्यक्ति से अपने उधार माल खरीदते हैं वो अपना क्रेडिटर कहलाता है। लेखांकन ये मानता है कि प्रत्येक व्यापारी नगद और उधार दोनों प्रकार का माल परचेज करता है, वो नगद भी माल खरीद सकता है और वो उधार भी खरीद सकता है। अगर मान लो उसने नगद माल खरीदा तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि माल हमने किससे खरीदा, क्योंकि वो पैसे हमारे दिए हुए हैं। जैसे मान लो अपने जब नगद माल खरीदते हैं तो नगद माल अपने कहीं से भी खरीदो, चाहे किसी दुकान पे जाओ माल खरीदो, पैसे दे दिए नगद। लेकिन जब माल उधार खरीदा जाता है तो दोनों पार्टियों को एक दूसरे का नाम याद रखना पड़ता है, दोनों पार्टियों को क्या है,
एक दूसरे का नाम याद रखना पड़ेगा। तो वो जिस व्यक्ति से अपने उधार माल खरीदेंगे उसे क्या कहेंगे, अपने लेनदार या क्रेडिटर कहेंगे। जिस व्यक्ति से अपने उधार माल खरीदेंगे उसे क्या कहेंगे, लेनदार या क्रेडिटर कहेंगे। उसके बाद आता है देखो इसका जस्ट उल्टा, देनदार या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेटर या देनदार। देनदार यानी जो हमें देने वाला है, यानी जिस व्यक्ति को अपने उधार माल बेचते हैं तो वो अपना डेटर या देनदार कहलाता है, यानी वो पैसे हमें बाद में देगा इसलिए वो हमारा क्या है, देनदार है। मान लो राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम ने श्याम से 10,000 का उधार माल खरीदा है। राम ने क्या किया है, श्याम से 10,000 रुपये का माल खरीदा है। तो देखो राम ने श्याम से खरीदा तो श्याम है वो राम के लिए लेनदार है, क्योंकि श्याम उससे बाद में पैसे लेगा, और श्याम के लिए राम है वो क्या है, देनदार है, क्योंकि वो पैसे देगा। तो देनदार कौन व्यक्ति हो गया, देनदार वह व्यक्ति होता है जिससे हमें पैसे लेने हैं, और लेनदार वो व्यक्ति होता है जिसको हमें पैसे देने हैं। जैसे एक व्यक्ति लेनदार होगा तो दूसरा देनदार होगा उतने रुपयों से। इसमें राम ने माल खरीदा तो राम और श्याम ने क्या किया, बेचा, तो राम के लिए श्याम क्या है, लेनदार है, और श्याम के लिए राम क्या है, देनदार है। तो कहीं आपसे पूछे देनदार किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे कि जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है, अपना देनदार कहलाता है। उसके बाद आता है नंबर 8 पे परचेज रिटर्न। या क्रय वापसी, कई बार ऐसे होता है कि हमने माल उधार खरीद लिया, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्रय वापसी का मतलब होता है खरीदा हुआ माल वापस करना। क्रय वापसी का मीन क्या होता है, खरीदा हुआ माल वापस करना, और कोई भी माल वापस लेखांकन की दृष्टि से तभी हो सकता है जब वो माल उधार खरीदा जाए। लेखांकन ये कहता है कि नगद खरीदा हुआ माल कभी भी वापस नहीं हो सकता, इसलिए वो ये मानता है कि हमने माल है वो उधार खरीदा है वही वापस किया है, तो इसे परचेज रिटर्न बोलेंगे। और उधार खरीदा हुआ माल वापस करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे माल पसंद नहीं आया, या माल हमारे सैंपल के आधार पे नहीं भेजा उन्होंने, माल महंगा लगा दिया, या माल पे जो डिस्काउंट देना था वो नहीं दिया, या फिर कम दे दिया। तो कई एक परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी होती है कि माल हमें वापस करना पड़ता है या माल वापसी की एंट्री करनी पड़ती है। जैसे माल मान लो रास्ते में टूट फूट हो गया तो हमने माल वापस ना भी करें तो हम क्या करेंगे, उसकी परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो परचेज रिटर्न का अर्थ क्या हो गया, उधार खरीदा हुआ माल यदि वापस कर दिया जाए तो उसे परचेज रिटर्न या क्रय वापसी बोलते हैं। अब देखो सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, अब सेल्स रिटर्न क्या होता है, देखो सेल्स माने बेचना माल का और रिटर्न माने वापसी। हमने माल बेच दिया उधार और वो माल किसी कारणवश वापस आ गया, जैसे हम किसी को माल वापस कर सकते हैं खरीदा हुआ, तो हमसे खरीदा हुआ माल भी क्या है, कोई वापस कर सकता है। तो सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी का मतलब होता है कि किसी कारणवश माल बेचा हुआ माल यदि हमारे पास वापस आ गया तो वो क्या कहलाती है, सेल्स रिटर्न कहलाती है। अब देखो एक वर्ड आता है अपना डिस्काउंट या जिसे बोलते हैं बट्टा या छूट भी बोलते हैं इसे।
अपने कई बार देखो माल खरीदते हैं, माल नगद खरीद सकते हैं या माल का पेमेंट है वो बाद में भी कर सकते हैं, उधार भी खरीद सकते हैं। तो डिस्काउंट कब मिलता है हमें कि जब कई बार नगद भुगतान कर दें या फिर जल्दी भुगतान कर दें तो सामने वाली पार्टी हमें क्या करती है, उस पर छूट देती है, जिसे हमें बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट है वो हमेशा दो प्रकार का होता है। डिस्काउंट है वो क्या है, दो प्रकार का होता है, एक कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट या बट्टा ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है देखो नगद बट्टा, जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एक होता है व्यापारिक बट्टा, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट। एक हो गया नगद बट्टा, एक हो गया व्यापारिक बट्टा, दो प्रकार के डिस्काउंट हो गए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, पहला ये होता है नगद बट्टे, नगद बट्टे की प्रविष्टि की जाती है, व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि नहीं की जाती। पहला क्या देखो, नगद बट्टे की प्रविष्टि की जाती है, नंबर दो इसका व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि नहीं की जाती। नंबर दो, नगद बट्टे का उद्देश्य जल्दी भुगतान प्राप्त करना होता है, व्यापारिक बट्टे का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना होता है। नगद बट्टा भुगतान के समय दिया जाता है, व्यापारिक बट्टा बिक्री के समय दिया जाता है।
देखो कितने प्रकार का डिस्काउंट हो गया अपना, दो प्रकार का डिस्काउंट हो गया। पहला है नगद बट्टा या कैश डिस्काउंट, दूसरा है व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो बट्टा होता क्या है कि अपने पास जो मेन जो प्राइस होती है उसकी, उस पर कोई छूट दी जाती है, वो बट्टा है। अब छूट दो प्रकार की होगी, एक तो नगद बट्टे के रूप में, एक व्यापारिक बट्टे के रूप में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। पहला डिफरेंस है नगद बट्टे की प्रविष्टि की जाती है और दूसरा इसमें व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि नहीं की जाती। कहने का मतलब क्या हुआ देखो, सुनो ध्यान से, कि जब अपने एंट्री करते हैं, मान लो हमने कैश डिस्काउंट दिया है तो उसकी प्रविष्टि आपको करनी पड़ेगी। कैश डिस्काउंट की क्या है, प्रविष्टि करनी पड़ेगी, जबकि जो व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट है उसकी प्रविष्टि नहीं की जाती। देखो उदाहरण द्वारा समझते हैं, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, कोई चीज़ क्या है 100 रुपये की है। अब आपने मान लो उसको ये कह दिया कि आपको 5% इस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, 5% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो व्यापारी क्या करेगा, इस 100 रुपये में से 5 रुपये काट देगा, वो प्रविष्टि केवल 95 रुपये की करेगा, यानी कि व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि नहीं करेगा वो, व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि नहीं करता। तो ये मान लेता है वो जो हमने माल है वो 100 का नहीं बेचा, माल 95 का ही बेचा है, तो व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि नहीं की जाती है। और नगद बट्टे की प्रविष्टि की जाती है, मान लो आपको व्यापारी ये कह दे कि आप अगर ये 100 रुपये वाला 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट सारे ग्राहकों को ही दिया जाता है, चाहे वो माल नगद खरीदे चाहे वो माल उधार खरीदे, सबको क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना, 5% दे दिया, तो वो कितना बच गया, 95 का। अब आपको कहे कि अगर आप भुगतान 1 महीने के अंदर करते हो या फिर भुगतान आप तुरंत कर देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो 2% डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है, ये भुगतान के लिए दिया जा रहा है, तो इसकी आपको प्रविष्टि करनी पड़ेगी। जैसे आपको अब ये 2% जो डिस्काउंट मिलेगा वो 100 रुपये पर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो वस्तु ट्रेड डिस्काउंट आपने दे दिया 5% का, तो वो वस्तु कितने की मानी जाएगी, वो वस्तु आपके 95 रुपये की मानी जाएगी, तो आपको 95 रुपये का 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो 95 रुपये का 2% हो गया 1.90 रुपये, यानी कि आपको 95 में से 1.90 और घटा के आपको 93.10 रुपये चुकाने हैं। आपको कितने चुकाने हैं, 93.10 रुपये। लेकिन जब आप एंट्री करोगे तो इस 5 रुपये की एंट्री तो नहीं करोगे आप, लेकिन आपको इस 1.90 रुपये की एंट्री करनी पड़ेगी, इसको आपको एंट्री के रूप में जर्नल में दिखाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि नगद बट्टे की प्रविष्टि की जाती है। तो ये जो अपना डिस्काउंट है वो हमें भुगतान जल्दी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, और ये जो डिस्काउंट है वो बिक्री को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसलिए नगद बट्टे की प्रविष्टि की जाती है और व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि नहीं की जाती है। नंबर 2 पे था आपने देखो, नगद बट्टे का उद्देश्य जल्दी भुगतान प्राप्त करना होता है और व्यापारिक बट्टे का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना होता है। देखो जब आपको ये कहे कि अगर आप माल खरीद रहे हो, आपने कई बार देखा होगा बाटा वगैरह या किसकी जब सेल लगती है तो उसमें कहते हैं 50% डिस्काउंट है, तो वो कौन सा डिस्काउंट है, वो ट्रेड डिस्काउंट है, वो बिक्री को बढ़ाने के लिए है। बिक्री क्या है, ज़्यादा हो और ज़्यादा ग्राहक उन वस्तुओं को खरीदे, उससे भी अपने आकर्षित होकर भी 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका उद्देश्य बिक्री बढ़ाना है व्यापारिक बट्टे का। इससे क्या होगा कि बिक्री बढ़ेगी, तो व्यापारिक बट्टे का उद्देश्य क्या हो गया, बिक्री बढ़ाना हो गया। और नगद बट्टे का उद्देश्य क्या है, जल्दी पैसे प्राप्त करना। आपको कहे कि अगर आप उधार खरीदो चाहे नगद खरीदो, आपको वस्तु 100 वाली 95 में तो मिल रही है, लेकिन आप भुगतान आज ही दे देते हो या फिर 1 महीने के अंदर देते हो, तो आपको 2% डिस्काउंट और मिलेगा।
इससे क्या होता है कि ग्राहक आतुर होता है कि हमें 2% डिस्काउंट और लेना चाहिए, तो वो जल्दी भुगतान प्राप्त दे देता है। तो इसका जो उद्देश्य हो गया कि नगद बट्टे का उद्देश्य जल्दी भुगतान प्राप्त करना हो गया, और व्यापारिक बट्टे का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना हो गया। लास्ट में है नगद बट्टा भुगतान के समय दिया जाता है और व्यापारिक बट्टा बिक्री के समय। अब मान लो व्यापारिक बट्टा बिक्री के समय दिया जाता है, मान लो 100 वाली चीज़ आपको 95 में मिली, आपको वो बट्टा तो तुरंत मिल गया, आपको से वो कितने रुपए लेगा, 95 रुपये। चाहे आपने उधार खरीदा है तो भी आपको वो 95 रुपये नाम लिखेगा। जबकि नगद बट्टा कब होएगा, जब वो भुगतान करेगा। ये भुगतान करेगा, मान लो एक महीने का टाइम दे दिया कि एक महीने के अंदर अंदर यदि आप भुगतान कर देते हो तो आपको 2% नगद बट्टा भी मिलेगा। तो नगद बट्टा है वो भुगतान के समय दिया जाता है। तो तीसरा डिफरेंस इसमें ये हो गया, नगद बट्टा भुगतान के समय दिया जाता है और व्यापारिक बट्टा है वो बिक्री के समय दिया जाता है। तो ये तीन डिफरेंस हो गए अपने इसमें कि नगद बट्टे की प्रविष्टि की जाती है, व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि नहीं की जाती। नगद बट्टे का उद्देश्य जल्दी भुगतान प्राप्त करना होता है, व्यापारिक बट्टे का उद्देश्य बिक्री का बढ़ाना होता है। नगद बट्टा भुगतान के समय दिया जाता है और व्यापारिक बट्टा है वो बिक्री के समय दिया जाता है। तो ये हो गया अपना डिस्काउंट। अब एक वर्ड आता है देखो, डूबत ऋण। यह जिसको बोला जाता है बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण या बैड डेब्ट्स। अब डूबत ऋण या बैड डेब्ट्स होते क्या है देखो, आपने कई वर्ड सुना होगा दिवालिया, इंसॉल्वेंस बोलते हैं जिसको, दिवालिया बोलते हैं, और इंसॉल्वेंसी यानी दिवालियापन होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश से अपने कहते हैं कि वह आदमी उसके पैसे खा गया, वह आदमी उसके पैसे खा गया, तो ये मान लो कि वो बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स दो प्रकार का होता है, एक तो देखो देने वाले के सामने वाले की इच्छा ना हो, उसकी नीयत खराब हो जाए, या फिर उसके पास पैसे ना हो। तो बैड डेब्ट्स कब माना जाता है, जब दिवालिया होने के कारण और सामने जो पार्टी है, अपनी जो देनदार है, वो हमें पैसे चुकाने में असमर्थ रहती है। तो जितने रुपए वो नहीं चुका पाती वो बैड डेब्ट्स में चला जाता है। ये मान लेते हैं कि जैसे अपने जो व्यक्ति देनदार होते हैं, और देनदार कौन से व्यक्ति होते हैं, देनदार वे व्यक्ति होते हैं जिनको अपने उधार माल बेचते हैं। कोई देनदार दिवालिया हो गया, अब मान लो दिवालिया कब माना जाएगा, ऐसे दिवालिया नहीं माना जाता कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं रुपए चुकाने में असमर्थ हूँ, तो अपने क्या करते हैं कि अपने कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये व्यक्ति है वो दिवालिया हो गया, इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि आधे पैसे दे देगा, आधे नहीं दे पाएगा। तो जितने रुपए वो चुकाने में असमर्थ होता है, वो नहीं चुका पाता, वो क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स कहलाता है। देखो कोई भी व्यक्ति दो प्रकार कारण पैसे नहीं चुकाता, एक तो हमने उसे बट्टा दे दिया तो उसने कम चुका दिया, एक वो दिवालिया होने के कारण कम चुका रहा है, तो दिवालिया होने के कारण कम चुका रहा है तो उसे क्या कहते हैं अपने, बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो जितना कम चुकाया, मान लो हमें किसी व्यक्ति से 100 रुपये लेने हैं, वह दिवालिया हो गया और आपको कहे कि वह 100 रुपये में से 60 पैसे ही चुकाएगा, जब 100 में से 60 चुकाएगा तो यहाँ पर 60 तो उसने चुका दिए, 40 रुपये वो बैड डेब्ट्स हो गए, जिसे अपने कहते हैं ना डूब गए, तो 40 रुपये अपने डूब गए हैं, तो वो क्या है, बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें एक वर्ड आता है देखो, असेट्स। और एक एसेट जिसे हिंदी में बोलते हैं संपत्तियां, एक होती है देखो लाइबिलिटीज यानी दायित्व। देखो संपत्तियां वे अधिकार होते हैं
जिनका जिनको बेचकर कोई स्वामी अपने रुपए प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लो एक कपड़े का व्यापारी है, उसकी दुकान पे कपड़ा है, वो तो क्या हो गया, उसके लिए माल हो गया। उसके अलावा वहाँ पर चेयर भी है, अलमारी भी है, या फिर अदर वस्तुएं वहाँ पर पड़ी है, वो सारे अधिकार हैं, या उन्हें बेचने का जो अधिकार है वो किसका है, स्वामी का है, उसके ओनर का है। तो उन्हें बेचकर वो क्या करेगा, रुपए प्राप्त करेगा, और इसलिए वो क्या कहलाती है, संपत्तियाँ। अब इसका जस्ट उल्टा दायित्व होता है। दायित्व मतलब जिसे हमें पेमेंट करना है, भी मान लो हमने किसी से उधार माल खरीदा हुआ है, तो उस व्यक्ति को हमें पेमेंट करना है, वो क्या हो गया, अपना एक दायित्व हो गया। या फिर हमने किसी से उधार संपत्ति खरीदी, उसका पेमेंट हमें करना है, वो हमारा दायित्व है। या फिर ये मान लो हमने किसी कर्मचारी को रख रखा है, उस कर्मचारी को क्या करना है, सैलरी देनी थी 12 महीने की, और किसी कारणवश नहीं दी, मान लो कोरोना वायरस चल रहा है, इस कारण हम उसे सैलरी नहीं दे पाए, तो जितने रुपए वो हमें मांगता है वो हमारे लिए क्या हो गया, दायित्व हो गया। तो दायित्व अपने उत्तरदायित्व है, अपनी ड्यूज है जिन्हें हमें पेमेंट करना है, और असेट्स है वो अपने क्या है, अधिकार है, अपने राइट है, जिन्हें हमें बेचकर पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो असेट्स और लाइबिलिटीज ये एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी है इसी से आगे कल करेंगे। धन्यवाद।